हमारा तो जमाना जब्त हो गया चीयर लीडर। इतना फिर उत्तेजित हो गया, या तो गाना सुना दे फिर। ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर कोई करता है तो गुनहगार है क्या? तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नंबर एक, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नरेंद्र मोदी जी ने हवा में नहीं की। फिर ये 5 ट्रिलियन वैसा ही है सुमित जी, आपको याद होगा। हालांकि अभी ये बोल देंगे नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं कहा था वो बात। तो 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके। आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा, याद है? आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा। आया नहीं, आएगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना। बताता हूँ। नहीं बताओ ना आज दर्शकों। बताता हूँ। आप पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई। देखिए कितने जीरो होते। ये देख लिया आपने। मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता, 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं बता दे। तो मेरा चैलेंज है इनको आज। पढ़ लिख के आया को पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नहीं, तुम्हारे गांव में चनूने काट रहे हैं। दिल के अरमा। इतना फिर उत्तेजित हो गया भाई मेरा, थोड़ा उत्तेजित हो गया कि कोई नहीं आया इसको। कोई बात नहीं, अगली बार याद करके आना, कोई बात नहीं। मस्त जोक मारा। हमारी अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है इसका जवाब देते नहीं हो। 100 दिन में आपने भयंकर मंदी क्यों लाए उसका जवाब देते नहीं हो। उस मंदी से उबारने का क्या उपाय है उसका जवाब देते नहीं हो। NHAI आज प्रधानमंत्री कार्यालय NHAI को लिखता है कि रोड के सारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाए, उसका जवाब देते नहीं हो। कोई बात पूछो, राहुल गांधी खराब है। अरे सुमित भाई मेरे सवालों के जवाब दीजिए। खराब हूँ, राहुल गांधी खराब है। तुम तो अच्छे थे ना भाई, तो ये NHAI के प्रोजेक्ट क्यों बंद हुए ये जवाब दो। मैं सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आज संबोधित करता हूँ कि ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो। मैंने इनसे बार बार पूछा कि GDP क्यों गिर रही है। सर झुका के जियो, ना सर झुका। अरे भैया आप दोनों का पावर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखिए बचकाओ मत, मैं लाइव शो देख रहा था भैया। और फिर और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लाइव शो हो रहा था कि नहीं? फिर कूदने लगे। कूदो मत क्या भैया? मैं तो कूद भी सकता हूँ, आप कूदोगे तो स्टेज टूट जाएगा। सोचो आप, आराम से सुन, आराम से कूदो मत, आराम से। मैं तो कूद सकता हूँ भैया, अच्छा, मैं लाइट वेट हूँ भैया, अच्छा, कूद जा। मैं तो हल्का नहीं, आप कूदो कूदो, मैं नहीं कूदूंगा, आप कूदो कूदो। 1 2 3 हमारा तो जमाना जब्त हो गया चीयर लीडर। इतना फिर उत्तेजित हो गया, या तो गाना सुना दे फिर। आज रपट जइयो तो हमें ना भुलाइयो। वाह 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 कादरी जी, वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह। आपको एक बात कहता हूँ, वाह कादरी जी, वाह वाह भाई, वाह भाई, वाह वाह कादरी जी, वाह। ये बोलते हैं ये न्यू इंडिया है। प्रभु ऐसे न्यू इंडिया नहीं चाहिए देश को। देखिए फेंकू कौन होता है, फेंकू कौन होता है जो फेंकता है। अब इस देश में दो फेंकुओं का राज है, एक सीनियर फेंकू एक जूनियर फेंकू। आप तय कर लीजिए अब सीनियर कौन है इस सरकार में, जूनियर कौन है, लेकिन फेंकते दोनों है। थोड़ा कम फेंको ना साहब, अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन अब कहना पड़ता है क्योंकि फेंके चले जा रहे हैं, 6 साल से फेंक रहे हैं साहब। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को ये माने कि वो फेंकू है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को ये माने कि वो फेंकू है। नहीं बुरा मत मानना,
चूतिया तो तू है। संपत पात्रा, जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था, जाहिर तौर पर मैं ऑडियंस के बीच बैठी थी, आवाज मुझ तक नहीं आई थी, वरना हम कल ही इस पर कहते आपको कि आप माफी मांगिए। यह जान के बड़ा कष्ट हुआ कि इस प्रकार की डिबेट का स्तर गिरते जा रहा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जनता समर्थन न करे इसके लिए एड़ी चोटी का झोर लगाया, जिसके पास जो साधन था उपयोग किया, झूठ जितने फैलाने थे फैलाए। उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, जानते हैं ना कौन है वो, कौन है? लेकिन देश की जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या मतलब हुआ? हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए।